तुम लोग गए हो? अड्डा है तुम्हारा? अरे बाप, तुम तो कुंची है, क्या नाम है उसका? कौन ये था जी? गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह का अड्डा होता है नहीं जी? भैंस का स्नान, क्या मजा लड़ रही है भैंस। श्रृंगी ऋषि आश्रम से निकल गए हैं, अब चलना है शेखपुरा की ओर। श्रृंगी ऋषि मोड़, ये डैम यहाँ तक है, बहुत ही लंबा डैम है, लगभग लगभग 3 किलोमीटर तो वहाँ से है ही, उसके आगे भी है। उठाइएगा भैया, लोग सब अभी भी आ ही रहे हैं। किसका रास्ता दिखे है लहर दिखे, आइलैंड, छोटा छोटा आइलैंड, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको अगर सुरक्षित कर दिया जाए, विकसित कर दिया जाए, तो कितना शानदार टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा बिहार। लोग 2 बजे आ रहा है, बस बस नहीं हो सकता, कब से जाएगा सर? बीच बीच में आइलैंड टाइप का भी बना हुआ है नहीं जी? नाव सब चलता था और मज़ा आता है उसमें।
जाएंगे, आते हैं एक बार उधर से घूम। अपने बिहार में जगह बना हुआ क्या है, ये किधर है? अब इसको बीच में बांध दे करके सुन जो है अच्छा अच्छा पानी जमा कर दिया जाए। पानी अच्छा खासा रहता है होगा, लकड़ी का टुकड़ा कितना ऊपर तक आया हुआ, तो पानी इतना आता होगा तभी तो लकड़ी आया है। ये बच्चा लोग भी एकदम रील बनाने के लिए अच्छा हो रहा है। कहाँ से जी सब कोई कह रहे हैं, कहाँ से? लखीसराय से आ गए आश्रम से। कहाँ जा रहे हैं हम? हम तो पूर्णिया से आ रहे हैं। किधर जा रहे हो, आश्रम जा रहे हो कि वापस? आश्रम से आ गए। भीड़ है क्या? भीड़ है होता यहाँ पिकनिक करने में और कैंप करने में मजा ही आ जाता है। कहानी और निशानी की जगह ऊपर देखिए जलप्पा पथ, जलप्पा मंदिर। ये पहाड़ के दूसरी ओर जाना पड़ता है, दिक्कत होगी इतना भारी सामान लेकर के।